दोस्तों अपना भारत बहुत जल्द उन देशों में शामिल हो जाएगा जो इंसान को अंतरिक्ष में खुद के दम पे भेजने में सक्षम है। जी हाँ, इसरो के गगनयान प्रोग्राम को 28 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है, जिससे इसरो का मानव को अंतरिक्ष में भेजने का सपना पूरा होने वाला है। इस प्रोग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जो कि बहुत ही भारी भरकम बजट है। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाली लिस्ट में अभी तक बस 3 देशों नाम है। सबसे पहले रूस ने 1961 में यूरी गॉगरिन को भेजकर इतिहास रचा था। दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर चीन है, जिसने अंतरिक्ष में इंसान को भेजा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2008 से अपने मानव अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहा है और अब 28 दिसंबर को गगनयान प्रोग्राम को 10,000 करोड़ रुपए के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसरो द्वारा इस मिशन में 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिन्हें अमेरिका में एस्ट्रोनॉट कहा जाता है और अपने भारत में वायुमनॉट्स नाम से पुकारा जाएगा। तो इसरो द्वारा इन 3 भारतीय क्रू मेंबर्स को, जिसमें एक महिला यात्री भी होगी, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष बंदरगाह से अपने सबसे बड़े रॉकेट GSLV MK3 यानी जियो सिंक्रोनाइजेशन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए 2022 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो फिलहाल इस रॉकेट को तैयार करने में लगा है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर केसे ने बताया कि इस मिशन में 2 पुरुष और 1 महिला को 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के लिए भेजा जाएगा। भारत के इस मिशन में रूस और फ्रांस ने अपनी इच्छा से जुड़ने की पहल की, यानी रूस और फ्रांस मिशन में मदद करेंगे। गगनयान ऑर्बिटल स्पेसशिप होगा, जिसके 3.7 टन के कैप्सूल को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। इसमें जीवन और पर्यावरण के हिसाब से सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। गगनयान में 2 इंजन होंगे जो लिक्विड प्रोपेलेंट से चलेंगे। ये बेंगलोर से इसरो द्वारा ट्रैकिंग किए जाएंगे और साथ में निगरानी में भी रहेंगे। इस गगनयान स्पेस मिशन की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ललिता अंबा पर होगी, जो एक रॉकेट इंजीनियर हैं और पिछले 3 दशकों से इसरो से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसरो इस मिशन को पूरा करने के लिए क्या क्या करेगा। लॉन्चिंग के लिए व्हीकल, मिशन को पूरा करने के लिए इसरो को पहली चीज की जरूरत पड़ेगी, वह है लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट। इसलिए इसरो ने GSLV MK3 को चुना है, जो 2 बार आगे उड़ान भर चुका है। इसरो इंजन और सेफ्टी के लिए कैप्सूल में लगातार सुधार कर रहा है। इस GSLV को लॉन्च करने से पहले 4 बार लगातार सफल उड़ान भरनी होगी, फिर इसे मंजूरी दी जाएगी। एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसरो के लिए ये टेक्नोलॉजी एकदम नई है। ये सिस्टम कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आरामदायक वातावरण मुहैया करवाता है। इसके जरिए कैबिन का दबाव, ऑक्सीजन का लेवल, तापमान नियंत्रण, सीटों को बाहर निकालने के साथ साथ बहुत से आपातकालीन मदद दी जाएगी, जिसे पूरा करने में इसरो रूस की मदद ले सकता है। वायमानॉट्स के लिए स्पेस सूट, इसरो द्वारा 2014 में स्पेस सूट का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही बहुत से टेस्ट किए गए, जो हम आगे जानेंगे। इसरो सूट में खास बदलाव भी कर रहा है, जो अंतरिक्ष में 7 दिनों तक यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा और ताप दबाव को नियंत्रण करेगा। इसरो के अनुसार ये सूट बनाया जा चुका है और भविष्य में यदि किसी तरह के बदलाव जरूरत पड़ेगी तो इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। कैप्सूल ट्रैकिंग के लिए ग्राउंड स्टेशन, गगनयान पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके लिए इसकी उड़ान को मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए इसरो को द्वारा भारत में कुछ जगहों पर ग्राउंड स्टेशन विकसित किए जाएंगे। मिशन पर निगरानी रखने के लिए IDRSS यानी इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसरो द्वारा बनाया जा रहा है। क्रू मेंबर्स एस्केप सिस्टम, गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें सुरक्षा का पूरा ख्याल रहे। क्रू एस्केप सिस्टम किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सचेत कर क्रू मॉड्यूल को अलग कर लेता है। इसके परीक्षण के लिए नए व्हीकल की जरूरत होगी, जो इसरो तैयार कर रहा है। इसके तहत उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है।
जब रॉकेट को लॉन्च पैड से अंतरिक्ष के लिए छोड़ा जाते हैं तब क्रू मेंबर्स को सबसे ज्यादा उस टाइम खतरा होता है, रॉकेट के फट जाने से, उसमें आग लग जाने से या कोई सिस्टम का सही टाइम पे काम नहीं करने पर। अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए उस पर बहुत से पहले टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट को भारत ने पहली बार में ही पास कर सफलता पाई है। ये टेस्ट भी 2014 में स्पेस सूट के साथ ही किए गए। ये टेस्ट नहीं होने पे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाता है। ये टेस्टिंग सिस्टम पहले अमेरिका, रूस और सिर्फ चीन के पास ही थे, पर अभी भारत के पास भी हैं, जिस पर इसरो द्वारा लॉन्च पैड पर 5 जुलाई 2018 को परीक्षण किए गए। क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग। इसरो को बहुत ही जल्द क्रू मेंबर्स का चुनाव करना होगा और उन्हें 2022 से पहले पूरी तरह से ट्रेन भी करना होगा, जिसमें वायमानॉट्स को शारीरिक, मानसिक और प्रकृति के विरोध में रहकर काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए इसरो इनको खास किस्म की वाटर सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में भेज सकता है। ये ट्रेनिंग कम गुरुत्वाकर्षण में काम करने के लिए दी जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, जिससे क्रू मेंबर्स को बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कम गुरुत्वाकर्षण, व्यायाम और डाइट के अभाव से शरीर कमजोर पड़ने लगता है, शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, और साथ ही में आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के करीब 200 पायलट्स का टेस्ट लिया जाएगा और उनमें से मेंबर्स को चुना जाएगा। ये ट्रेनिंग लगभग 2 साल में पूरी होगी, जिसमें इनको जीरो ग्रेविटी में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैप्सूल री एंट्री एंड रिकवरी सिस्टम। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान और चंद्रयान जैसे अभी तक के सारे यान अंतरिक्ष में बने रहने के लिए होते हैं, पृथ्वी पर री एंट्री के लिए नहीं बने हैं। किसी भी अंतरिक्ष यान को री एंट्री के समय पृथ्वी के वातावरण में घर्षण के कारण बहुत ही तेज तापमान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए GSLV मार्क 3 की 2014 में एक मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, पर आर्थिक विकास की कमी और अर्थव्यवस्था के कारण ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया। थोड़ा अब हम ये जान लेते हैं कि इस 10,000 करोड़ के अंतरिक्ष मिशन से भारत में क्या फायदा होगा। यदि यह मिशन अभी शुरू नहीं किया होता तो भारत दूसरे देशों के मुकाबले अंतरिक्ष में बहुत ही पीछे रह जाएगा, और इसके साथ ही ये मिशन बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने के प्रस्थान करेगा। अंतरिक्ष की जानकारी में आगे होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष में ही भविष्य के सारे राज और ऐसी चीजें हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा कर सकती हैं। गगनयान मिशन अपने भारत देश को दुनिया के सामने अपने को साबित करने का सुनहरा अवसर है। हम साबित कर सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। इस मिशन से अपने देश में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का कल्चर और साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा। दोस्तों, इस मिशन से जुड़े अपडेट हम आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पे क्लिक करें और नए वीडियो के साथ अपने ज्ञान को और भी आगे बढ़ाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। आपके दिमाग में कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछें। जय हिंद।